आपको बिलीव नहीं होगा, चार दिन बाद क्रिसमस है यार, इसमें तो बिलीव हो जाएगा सब लोगों क्योंकि 25 हर जगह सेम रहते हैं। स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में, और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ कॉलेज के लिए, और कोई ये मत बोलना कि इसको तू 3 दिन से रिपीट कर रहा है। गाइस ये ठंडी का कपड़ा है, मैं इसी को पहनूंगा 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता, जो चीज मेरे को अच्छा लगेगा, जो चीज मेरे को गर्म करेगा मैं उसको पहनूंगा। जाते जाते मेरे को लेना है इजी का कॉपी लेना है, इजी का ड्राइंग कॉपी लेना है, क्योंकि मैं नहीं लिया था और सर ना मतलब अपन को चमका दिए थे कि अगर कोई लेकर नहीं आएगा तो उसको क्लास में बैठने नहीं मिलेगा। कब ले रहा है भाई? क्या चीज कब ले रहा हूँ? कब ले रहा है पहले नहीं बताओ, क्या कब ले, कब गाड़ी ले रहा है? आजकल तुम लोग को पता चल जाता है लगता है मैं व्लॉग चालू कर रहा हूँ। एनरोलमेंट भरना है अभी, मैं भी नहीं भरा उसको। ठीक है मैं मिलता हूँ, मैं कैंटीन जा रहा हूँ। बाय। टू मसाला डोसा खत्म। क्या ये उत्तपम? चटनी बहुत अच्छा है। अभी अपन लोग ना कैंपस के बस बाहर घूम रहे थे, और मैं पेड़ देख रहा था, और मैं पेड़ चोरी कर रहा हूँ कॉलेज का, मतलब कि ये सब जो पेड़ है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पानी तो था, वही तो देख रहा हूँ मैं भी कि पानी नहीं है बिल्कुल भी। अबे ये देख, ये वाला पेड़ चाहिए मेरे को, ये वाला पता है, इसको यहाँ से काटेंगे ना तो ये, अरे नहीं तोड़ रहे हैं भाई, हमको पता है जगह कहाँ तोड़ना। इधर इधर ये वाला एक पेड़ तोड़ो, ये वाला एक पेड़ तोड़ो। मजाक कर रहा हूँ। क्या बोल? सुन मैं बोल रहा हूँ जो एनरोलमेंट का है उससे पूछताछ करना है, वो कहाँ है? कॉल कर सर को, मेरे को क्या पता, मैं तो भरा भी नहीं। सर का क्या नाम है? नहीं पता नाम। इसमें कोई और पेड़ चाहिए, और बस इसका एक डंगाल चाहिए मेरे को। तुम मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को दो मेन गेट है ये। तुम मेरे को दो पेड़ भाई, ऐसी बता रहा हूँ। सुन सुन मेरे को कवर दे के रख भाई, आता हूँ असलम, आता हूँ। अभी तुम चैन खोलो, तुम चैन खोलो तो अभी तुम ऐसी चैन निकला है क्या चैन? अभी हाँ यार, और जगह होगा। अभी गाइस क्या गंदा सीन हुआ, ठीक है ये ना नहीं पता मेरे को पेड़ कौन सा, ये तगड़ा लगा ना, मतलब एकदम मस्त पेड़ है ये वाला, जड़ सूखड़ गया एक छोटा सा पौधा। तो फिर ये लड़का क्या किया, मेरे ना यहाँ ऐसे जैकेट खुला हुआ था और जैकेट के अंदर ऐसे करके डाल दिया वहां पे पेड़ बेचा। डर गया भाई, सीन धन दिखा रहा हूँ। बैग दिखा भाई, इसके बैग में एक पेड़ है ये वाला, अब इसको भी निकाल देते हैं अपन। अली मेरा कपड़ा गंदा हो गया होगा भाई, बैग में डालो। लेके जा रहे हो पेड़ वे कॉलेज से? पेड़ लेके जा रहा हूँ मैं, घर भर रहा हूँ अपना। अभी रुको रुको, ये वाला एक सेकंड, इसको चोरी नहीं बोलते ठीक है, मैं प्लांटेशन कर रहा हूँ कॉलेज में, अति है और निकाल रहा हूँ, और मैं घर में लगा रहा हूँ अपने। अबे तो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ, पेड़ का पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब जड़ से नहीं उखाड़ रहा है उसका एक पार्ट ले। ये पेड़ थोड़ी ना लिया हूँ यार, ये पेड़ नहीं है भाई, वो वाला पेड़ है यार। ये जा रहा है लड़का, रुक जा भाई रुक जा, आ रहा हूँ मैं अभी यार। ये पेड़ लेके जाएंगे ना इसको याद से आसिफ, लेकिन मेरे को याद दिलाना भाई। ये देखो क्या तगड़ा पेड़ है। हम बोल रहे हैं रात को 10 बजे आते हैं, हाँ हाँ, बाउंड्री पार करके। आसिफ जड़ में है यार ये भी, लेकिन एकदम कॉलेज गेट के सामने। अभी आसिफ और मेरा कॉलेज छूट चुका है, और अभी अपन जा रहे हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में एक बुक लेना है, और मैं आज दिखाता हूँ आपको बुक इशू कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अपन का लाइब्रेरी का काम हो गया, अब अपन निकल रहे हैं घर के लिए, आसिफ को छोड़ने हैं, और मेरे साथ क्षितिज भी जाएगा। फोन आदत फेंकने का ना ऐसे ऐसे करके आदत है, मैं हमेशा फेंकता रहता हूँ फोन, इसलिए। तो आप लोग अगर चैनल पे नहीं होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार ब्लॉग्स, और ड्यूड लाइक सच में गाइस हम लोग 7000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है और पहली बार मेरा शक्ल देख रहे हो और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो ब्रो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। यस
यस थैंक यू सो मच। तो गाइस जैसा आप लोगों को पता है मेरे को ना मतलब कि कपड़ा पहनने का बहुत ज्यादा शौक है और अभी मैं ना बस ऐसी मतलब कि देख रहा था कि मेरे पास जैकेट वैकेट नहीं है ना, तो फिर मेरे को ना ये वाला मेरे भाई का मिला, उसको छोटा हो गया और मेरे को भी एकदम फिट आ रहा है और मैं इसको देखा, मैं बोला यो ब्रो दैट्स माय गॉड ब्रो अमन इज लुकिंग गुड ब्रो फुल छपरी स्टाइल डूइंग दिस ऑल ब्रो ब्रो ड्यूड ये सब वो सब दैट्स किलिंग इट ब्रो। दो पैसा तो आपका कुर्ता लेके आता हूँ। देख रहा हूँ मेरी मम्मी मेरे को कभी कपड़ा नहीं दिलाती है और बोलती है अपने भाई का पहन। फैक्ट है छोटे लोग तो बड़ों का पहनते हैं ना, छोटा जो हो जाता है। आप लोग इंडियन मॉम्स का यही प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे लोगों को यही करते हो आप लोग? नहीं नहीं सब छोटे बच्चे घर में सब छोटे बच्चे होता है। अगर लड़की होती तो मैं उसका स्कर्ट पहनता, अगर मेरी दीदी होती तो नहीं नहीं उसका नहीं पहनते, भाई का भाई पहनता है, बहन का बहन। तो आप लोग मेरे को बचपन में स्कर्ट क्यों पहनाए थे? नहीं पहनाए किसी को, एक बार भी नहीं पहनाए। दो छोटी मेरा कभी नहीं करे? नहीं नहीं करे हो। त्रबाली उतना बड़ा नहीं था, घुंघरालू था। तो मैं आ गया आंटी के घर, आंटी आती होगी अभी और मैं अपना हाथ को ना एकदम ऐसे चिपका के चल रहा हूँ मिलिट्री मैन जैसे, ऐसा लग रहा है बंदूक रखा हूँ। और मेरे स्ट्रीट का नंबर है 17, मैं मजाक कर रहा था, मैं बता देता हूँ लोगों को, आप लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। स्ट्रीट नंबर है 17, क्वार्टर नंबर है 4A, सेक्टर 7। यही आज का ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्योंकि मैं ब्लॉग इसलिए इतने जल्दी एंड कर रहा हूँ और मैं बाहर भी नहीं गया क्योंकि अभी भिलाई में ना मतलब कि एकदम हाई अलर्ट है ठंडी का, क्योंकि भिलाई वाले हम लोग वासी लोग ना शायद से पहली बार 3-4 डिग्री फील कर रहे होंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है। पता है मेरे भाई का तबियत खराब है, मेरे कॉलेज में दोस्तों का तबियत खराब है, सबका तबियत खराब है, इसलिए गाइस मैं ब्लॉग यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मेन मतलब कि ना मेरे को हेडेक भी हो रहा है तो मैं ये ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। सी यू, फिर मिलता हूँ मैं कल नए ब्लॉग में। इट्स एवरी डे ब्रो, मतलब देख रहे हो ना फोन ऐसे ऐसे घूम के जाता है मेरे को गाइस, ये सब चीज ना बहुत अच्छा लगता है। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में।